स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जो कि आपका पहला लेक्चर है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का आपका जो 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन है वो पूरी तरीके से इंडिया एंड ब्राज़ील के ऊपर बेस्ड है। तो आज उसमें से ही हम लोग एक टॉपिक लेने वाले हैं, लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इंडिया का भी एंड ब्राज़ील का भी। इस चैप्टर में दोनों के लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटेंट के बारे में और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने दो फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको। पहला फ्लैग तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि पहला फ्लैग किसका है? इंडिया का। फिर भी क्लूज दिए हुए हैं यहाँ पे, उस क्लूज के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फ्लैग्स। क्लूज ये है पहले फ्लैग का कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, स्पाइसेस के लिए फेमस है एंड क्रिकेट, जो कि इंडिया आता है। तो वो जो आपका मैप है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स है तो वो मैप के ऊपर आप इंडिया लिख सकते हैं। देन सेकेंड मैप है ब्राज़ील का, और ब्राज़ील के क्लूज कैसे है? ब्राज़ील के क्लूज क्या क्या है कि ब्राज़ील फेमस किसके लिए है? सांबा डांस के लिए। ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, और ब्राज़ील का फेवरेट स्पोर्ट्स यानी कि पॉपुलर स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल। अभी हम लोग लोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं इंडिया के। तो इंडिया को ज्योग्राफी का ही क्या नाम दिया गया है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। अब लोकेशन, एक्सटेंट और बाउंड्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इंडिया जो है वो अर्थ यानी कि ग्लोबली अगर इंडिया का पोजीशन देखना है, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, उसका एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेशन क्या है? सदर्न पार्ट में। फिर से एक बार बता देती हूँ, इंडिया का ग्लोबली लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। और अगर एशियन कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो इंडिया साउदर्न पार्ट में आता है। अभी आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, उसको अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व करो। फिगर में आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि इंडिया का एक्सटेंट कितना है, यानी कि कितने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में इंडिया आते हैं। तो फर्स्ट डैश डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू डैश डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। अभी लैटिट्यूड हमको फाइंड करना है, तो अच्छी तरीके से मैप में ऑब्जर्व करो। साउथ की तरफ जहाँ पे केरला तमिलनाडु है वहाँ पे 8 डिग्री आपको दिख रहा है। 8 डिग्री इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखा जाता है, तो इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब बात आ जाती है लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड हम हमेशा वेस्ट टू ईस्ट में देखा जाता है, लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमेशा हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इंडिया का लॉन्गिट्यूड है वेस्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू ईस्ट साइड 97 डिग्री 25 मिनट्स लॉन्गिट्यूड। इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको साउथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के यहाँ पे दिखाई देगा। दिखाई दिया सबको? इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, और उसका लोकेशन क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। लोकेशन क्या है इंदिरा पॉइंट का? 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। अभी इंडिया के नेबरिंग कंट्री सीज और ओशन के बारे में हम देखेंगे। एक टेबल है वहाँ पे, वो टेबल आपको फिल करना है। अभी डायरेक्शंस दिए हुए ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, और नेबरिंग कंट्रीज पूछा है। तो ईस्ट में नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ठीक है, और कौन से सीज है? बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे। अब नॉर्थ की बारी। नॉर्थ में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ठीक है। वेस्ट में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कोई नहीं है, बस बल्कि सी है। तो सी कौन सी है? अरेबियन सी। एंड साउथ में नेबरिंग कंट्रीज है श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, और कौन सा ओशन है वहाँ पे? इंडियन ओशन। तो इस तरीके से टेबल आपको फिल करना है पूरा। अभी नेक्स्ट कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील का ज्योग्राफिकल नेम क्या है? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील को
ब्राज़ील की कंट्री का जो ऑथेंटिक नेम है वो क्या है? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ठीक है, अभी ब्राज़ील का लोकेशन एंड एक्सटेंड हम लोग देखने वाले हैं। ब्राज़ील का जो मैप है वो आपको दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, ब्राज़ील के ऊपर से इक्वेटर पास होता है। अगर आप मैप प्रॉपरली देखोगे तो रोरेमा एंड एम्पा के यहाँ से 0 डिग्री वाला जो लाइन है यानी कि इक्वेटर पास हो रहा है। ठीक है, तो ब्राज़ील दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। कुछ ब्राज़ील का कुछ पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड कुछ पार्ट जो है वो है सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखा जाए तो ब्राज़ील जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में। फिर से एक बार बताती हूँ, अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखा जाए, इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्थ। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ साइड में ब्राज़ील लोकेटेड है। अभी मैप में प्रॉपरली देख लो, मैप में हम लोग अभी उसका एक्सटेंड देखेंगे कि ब्राज़ील का एक्सटेंड कहाँ पे है। तो पहला है डैश डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड हमको देखना है सबसे पहले, तो हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएंगे। नॉर्थ में उसका लैटिट्यूड है 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ और साउथ में है 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। एंड लॉन्गिट्यूड वाइज अगर हम लोग देखेंगे, लॉन्गिट्यूड में ईस्ट टू वेस्ट, लॉन्गिट्यूड में कैसे जाना है? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट लॉन्गिट्यूड में आता है। इंडिया के टाइम पे जब भी कंपेयर करो तो इंडिया के टाइम पे जब हमने देखा था तब लैटिट्यूड हमने साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में लिया था। ब्राज़ील के टाइम पे हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेंगे। इंडिया के टाइम पे हमने लॉन्गिट्यूड जो है वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में लिया था एंड ब्राज़ील के टाइम हम कैसे ले रहे हैं? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो कन्फ्यूज मत होना। देन ब्राज़ील की नेबरिंग कंट्रीज़ के भी यहाँ पे चार्ट दिए हुए हैं, वो चार्ट आपको फिल करना है। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ब्राज़ील के कौन से कंट्रीज़ है? ओशन तो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कंट्रीज़ है फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम, गुयाना, वेनेजुला। ठीक है, वेस्ट साइड में कंट्रीज़ है पेरू, कोलंबिया, बोलिविया। साउथ में है पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। एंड ईस्ट में कंट्री नहीं है, इसमें कोई कंट्री नहीं है, आइलैंड्स है। साउथ में एक और ओशन है जो है साउथ अटलांटिक ओशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया का सबसे पहले देखेंगे। इंडिया ब्रिटिश के रूल में 1.5 सेंचुरी था, यानी कि 150 इयर्स तक ब्रिटिश रूल में था इंडिया। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे इंडिया को उस टाइम पे, सेवरल प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे कि 3 वॉर्स झेलने पड़े थे, फेमाइन सिचुएशन आ गया था। फिर भी इंडिया आज का मेजर डेवलपिंग कंट्री है। ग्लोबल मार्केट में भी इंडिया को कंसिडर किया जाता है। इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेस जब है, यानी कि इंडिया का इकोनॉमी धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, यानी कि यंग जनरेशन ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन हाई है। इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। इंडिया को पूरे ग्लोबली कैसे देखा जाता है? एज अ यंग कंट्री कंसिडर किया जाता है इंडिया को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्राज़ील का, ब्राज़ील मोर देन 3 सेंचुरीज तक पोर्चुगीज रूल में था। ब्राज़ील को उसका इंडिपेंडेंस मिला था 7 सितंबर 1882 में। उसके बाद 1930 से लेके 1985 तक मोर देन हाफ सेंचुरी वो मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर था। ब्राज़ील ने बहुत सारे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ओवरकम किए 20 सेंचुरी स्टार्ट होने पे। जब 20 सेंचुरी स्टार्ट होके कुछ वक्त हो गया था तब उसने अपने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ओवरकम किए। ऐसा देखा जा रहा है कि ब्राज़ील फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा और ग्लोबल मार्केट में कंसिडर किया जाएगा। तो हमारे आज के ज्योग्राफी के चैप्टर में हमने इंडिया और ब्राज़ील के बारे में पढ़ा। तो जितने भी शॉर्ट नोट्स किए हुए वो आपको आपके नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करके बताना है कि आपने कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ आप लोगों को सारे मैप्स रेफर करने हैं। आपका होमवर्क ये है कि इंडिया के सारे स्टेट्स याद करने हैं।
अपने नोटबुक में लिखने हैं, ब्राज़ील के सारे स्टेट्स याद करने हैं और वो भी अपने नोटबुक में लिखने हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।